कलेक्टर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री गहलोत कर रहे कलेक्टर एसपी से संवाद। सरकार की योजनाओं के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही। आगामी 24 अप्रैल से शुरू होने हैं महंगाई राहत कैंप, और इन कैंप का सबसे बड़ा जिम्मा जिला कलेक्टर पर है, तो साथ ही में लॉ एंड ऑर्डर भी आमतौर पर चुनौती रहता है, और इसके लिए भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। चुनावी साल में सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद महत्वपूर्ण है। पानी बिजली जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो इसी बीच आज सिविल सर्विस डे भी मनाया जा रहा है, और सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। ऋतुराज, क्या कुछ जानकारी है, क्या ये मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, और क्या कुछ आज एजेंडा रहने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह से कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और जो सीमावर्ती जिले और राज्य हैं उनमें उनसे किस तरह से संगठित अपराधों में बढ़ोतरी हो, सोशल मीडिया का जिस तरह से प्रभाव हो रहा है, सोशल मीडिया पर जो सपोर्टर हैं गुनहगारों के, जो अपराधियों के, वो जिस तरह से स्टेटस लगाते हैं उस पर किस तरह से लोग लगाम लगाई जाए, और एक जो आम पब्लिक के मन में जो छवि जिस तरह से किस तरह से वो उसमें बेहतरी हो, और एक जो सिविल सर्वेंट के लिए के हिसाब से किस तरह से पुलिस की भूमिका मुख्य तौर पर रहे, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। चुनावी साल है इसलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जा सकती है, क्योंकि बार बार सीएम गहलोत चुनावी साल में गुड गवर्नेंस पर फोकस करते हुए अपनी बात कहते हैं, और इसमें कानून व्यवस्था का एक अहम योगदान है। कई बार प्रतिपक्ष ये मामले उठाते रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, चाहे तो संगठित अपराध हो, चाहे से कोई कर्ज में आत्महत्या की बात हो, या फिर और अन्य तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो हावी जो बाहुबल है वो हावी है होने की बात बार बार कही जाती है, तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो नवाचार है गहलोत सरकार का, खास नवाचार है ई फाइलिंग के रूप में, और ई फाइलिंग का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ई फाइलिंग को लेकर राजस्थान सरकार में किस तरह से काम हुआ है, और ई फाइलिंग के बाद किस तरह से जो पुरानी पत्रावलियों का भार कम हुआ है, और पुरानी पत्रावलियों को डिजिटाइजेशन करके किस तरह से रखा जा रहा है, और उसी ई फॉर्मेट में ही किस तरह से उच्च अधिकारी कमेंट लिख रहे हैं और उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, और जो समयबद्ध तरीके से काम किस तरह से निपटारा हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही जो 24 अप्रैल से एक महत्वपूर्ण महंगाई राहत शिविर लगने हैं, तो उसमें आम जनता को किस तरह से सुविधा दी जाए और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट कैसे किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर कलेक्टर्स से बात की जा रही है, संभागीय आयुक्तों से बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि उसको उसमें ज्यादा से ज्यादा आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जागरूकता वहां पर फैलाई जाए, चाहे से पंपलेट लगाए जाए, बोर्डिंग लगाए जाए, या फिर अन्य तरीके से जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे कि कैंपों में जाके लोग उमड़ें और अपनी जो सुविधाएं, अपनी जो सेवाएं हैं और अपने जो लाभ हैं वो लेना सुनिश्चित कर सकें, और उन्हें सारी बात तफसील से बताई जाए कि किस योजना में उन्हें किस तरह से लाभ मिल सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। मुख्य जो बिंदु है कानून व्यवस्था तो है ही, लेकिन इसके साथ ही जो गुड गवर्नेंस के अन्य पहलू हैं जिसके जरिए आम जनता तक सीधी पहुंच सरकार की होती है, उन तमाम बातों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज पूरी जानकारी के लिए।